हेलो एवरी वन एग्जाम थर्टी फर्स्ट जनवरी दो हज़ार इक्कीस को लेकर के आ चुका हूँ यहाँ पर पूरे पाठ्यक्रम पूरे सिलेबस का निचोड़ एन सी ई आर टी का निचोड़ और साथ में सभी पेडोगोलॉजी ऐसे प्रश्न जो आपके बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा अदरवाइज़ आप बहुत पछताएंगे क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों अगर मुझे केवल व्यूज़ लेना होता तो मैं हर डे आप सभी के लिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा करके आपको डेली मैं कुछ न कुछ क्वेश्चन कराता रहता लेकिन यहाँ पर केवल और केवल के ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं जो पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न फिर से आने वाले हैं ठीक है इससे बाहर एटलीस्ट क्वालिफाइड होने तक तो कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है इतना तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आप सभी से ठीक है तो जल्दी से यहाँ पर हम क्वेश्चन जो भी हमें यहाँ पर मटेरियल जो भी मैंने आप सभी के लिए इकट्ठा कर रखे पिछले डेढ़ सौ दो महीने के अंदर सभी आपके सामने एक वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड कराने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना बोले और जिन मित्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लीजिएगा और आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए या फिर यूपी टीट सी का एक ग्रुप है फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आकलन का है असेसमेंट का है इसको आप केवल समझ लीजिए यही प्रश्न तो एग्जैक्ट पूछा नहीं जाएगा ठीक है जो आपका आपका एग्जाम होने वाला है थर्टी फर्स्ट जनवरी को लेकिन आपको आकलन को किस प्रकार से समझना है जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है यह किस ओर संकेत करता है ठीक है अगर आप कोई चीज सीखने जा रहे हो उसके पहले अगर आप असेसमेंट करते हो आकलन करते हो वह होता है सीखने का आकलन आप कोई चीज सीख करके आ रहे हो कोई चीज देख करके आ रहे हो फिर आप आकलन कर रहे हो ये हो गया आपका सीखने के लिए आकलन मैं रिपीट नहीं करूँगा दोस्तों आप लोग भले वीडियो फिर से आप देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा बैक करके ठीक है तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा सीखने के लिए आकलन आप कोई काम करते हुए सीख रहे हैं या असेसमेंट आकलन करते हुए सीख रहे हैं वह हो जाएगा आपका आकलन के लिए सीखना आकलन के लिए सीखना इसी तरह से आकलन का सीखना यानी आपने सीख लिया है ठीक है और अब उसका आप असेसमेंट कर रहे हैं वापस से आप वहां पर देख रहे हैं कि हमने क्या सीखा है क्या छूटा है क्या गलती हमसे हो रही है वह होता है आकलन का सीखना ठीक है चारों ऑप्शन क्लियर हो गया असेसमेंट आकलन का प्रश्न अब आप गलत नहीं करेंगे एग्जाम में चलो अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लो जल्दी से किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर देखिए यहाँ पर बेसिकली पूर्णांक ना करके अगर किसी संख्या भी अगर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती याद रखिएगा दो तीन सात और आठ ये चार ऐसी संख्याएं हैं ठीक है चार ऐसे अंक हैं दो तीन सात आठ जो कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं हो सकते ठीक है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दो जैसे आप किसी भी संख्या का कवर करके कर देख लीजिए एक कवर करेंगे तो एक आएगा दो कवर करेंगे मैं इलेवन ले ले रहा हूँ यहाँ पर ग्यारह ग्यारह कवर करेंगे एक सौ इक्कीस आएगा बारह कवर करेंगे एक सौ चवालीस आएगा ठीक है पंद्रह कवर करेंगे दो सौ पच्चीस आएगा तेरह कवर करेंगे एक सौ उनहत्तर आएगा ठीक है तो इकाई के स्थान पर आप देख पा रहे होंगे पाँच है चार है एक है ठीक है, है, ठीक है एक सौ उनहत्तर है दस कवर करेंगे सौ आएगा इकाई के स्थान पर जीरो है लेकिन दो तीन और सात आठ कभी नहीं हो सकता तो इस प्रश्न का आप सीधे सीधे आप आंसर बता देना जहाँ पर भी आपको दो तीन सात आठ दिख जाए कभी भी वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती और न ही किसी संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक दो तीन सात या आठ कभी भी हो सकता है ये प्रश्न आप देख लो किसी समावेशी इंक्लूसिव किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो नहीं सकता या गलत ऑप्शन है अगर आप सेकंड देखेंगे बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम बना पाते हैं या लिखा नहीं बना पाते हैं यह ऑप्शन आपका नहीं हो सकता भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है ऐसा कुछ नहीं है भाषा समाज में रह के भी अर्जित की जाती है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है ठीक है ठीक है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए राइट आपका आंसर हो जाएगा प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है ठीक है तो यहाँ पर ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जो आंसर हो जाएगा पहला वाला फर्स्ट वाला देखिए होता क्या कभी भी जो भी चीज़ें होती हैं ना बिल्कुल हमेशा विद्यार्थी को केंद्र में रह करके आपको सोचना है सकारात्मक पहलू को सोचना है कभी भी नकारात्मक पहलू नहीं लेना है विद्यार्थी है जैसे आप सभी जानते हैं जो विशेष विद्यार्थी होते हैं दिव्यांग विद्यार्थी या जो किसी या असामान्य होते हैं विद्यार्थी तो कभी भी उनके ऊपर सहानुभूति दया ये सब चीज़ें नहीं विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर ठीक है विद्यार्थी को केंद्र में रह करके बिल्कुल आपको इस तरह से चीज़ें सोचना है पीडोगोजी के क्रम में इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दो हज़ार पाँच से एक प्रश्न आना ही आना है एन सी एफ से ठीक है नेशनल क्रिकुलम फ्रेमवर्क से एक क्वेश्चन आना ही आना है जहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में एक लाइन आप समझ लीजिए कि हमेशा चाहे वो गणित का विषय हो कोई भी विषय हो आप जो सीख रहे हैं बच्चा सीख रहा है हमेशा उसे व्यवहार में ला करके उस चीज़ को और अच्छे से सीखा जा सकता है उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग आपको याद रहना चाहिए ठीक है एक प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए और पर्यावरण का है पारिस्थितिकीय छाप के माप की इकाई है हम यहाँ पर पीडोगलॉजी और एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर के चल रहे हैं दोस्तों पारिस्थितिकीय पदछाप ठीक है इकोसिस्टम पदछाप के माप की जो इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर में मापते हैं ठीक है इसको आप याद रखिएगा अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि देखिए होता क्या कभी कभी आप देखिए के या फिर जो ये सीडीपी का प्रश्न होता है सीटेट में अक्सर एक प्रश्न के दो दो आंसर तीन तीन आंसर बन जाते हैं अगर ऐसा होता है ना बिल्कुल आप उसमें देख लीजिए थोड़ा सा अप्रोप्रिएट और कुछ जो वर्ड होते हैं ना उसको आपको बिल्कुल पकड़ के चलना है जैसे वाई गो की हैं तो सामाजिक ठीक है इसके बाद व्यवहार आदि ठीक है इसी तरह से अभिप्रेरणा या अनुक्रमित सिद्धांत या अनुदेशन ठीक है स्किनर इसके अलावा एस ओ आर थीरी वुडवर्थ हो गया एस आर थियरी थार्नाडाइक हो गया आर एस थियरी स्किनर हो गया कुछ जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ पे वो वर्ड उन्हीं के लिए ही आता है ठीक है थ्रस्टन हो गए इसके बाद हर्बर्ट हो गए और गार्डनर हो गए बहुविधि सिद्धांत हो गया स्पियरमैन का हो गया ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको एकदम याद होना चाहिए चिन्ह सिद्धांत हो गया टाउलमैन का ठीक है इसके बाद मानववादी सिद्धांत हो गया यहाँ पर देखो आप जब भी जीन पियाजे की बात की जाए ना आप संगनात्मक वर्ड पकड़ के रखिए संज्ञानात्मक विकास तो दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सात का यहाँ पर ही जो क्वेश्चन है ये होगा यहाँ पर ठीक है बाकी देखिए ये अपने अपने जगह पे सही है लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे के क्रम में संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है ये देखिए क्वेश्चन 2019 वाले में पूछा गया था सीटेट टेट में अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 देखिए आप आपने अगर संस्कृत भी चूज़ किया हो तभी भी आप इसे देख लीजिए क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना या फिर आपका पेडियगलॉजी में या फिर आपका सीडीपी में तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें तो जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ठीक है रूपरेखा है दो हज़ार पाँच है इंग्लिश इन इंडिया इज अ मल्टील कंट्री यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर क्या आना चाहिए आप सभी बताइए जल्दी से तो इंग्लिश जो है इन इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टी कंट्री ग्लोबल लैंग्वेज की तरह हम यूज करते हैं यहाँ पर ठीक है हम फॉरेन लैंग्वेज की तरह नहीं सीखते ये हमें लैंग्वेज इंटरनेशनल स्तर पे यूज करना है ग्लोबल लैंग्वेज की तरह हम इसको यूज करते हैं ठीक है आई होप सभी को समझ में आ गया होगा इसके बाद देखिए जहाँ पर भी लैंग्वेज में व्याकरण की ग्रामर की बात की जाए वहाँ पर सीधे सीधे चामस साहब आ जाते हैं चोमसकी नॉम चोमस आप नाम याद रखिएगा एज पर नॉम चोमस की थियरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एल ए डी देखिए फुल फॉर्म एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है सी में टी एल एम हो गया जैसे ठीक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल एल ई डी हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आप इसे यही याद कर लीजिए इसी तरह से जो कुछ फुल फॉर्म है आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए एन का फुल फॉर्म मैंने आपको वही बताया नेशनल क्यूरिकम फ्रेमवर्क ठीक है स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर बताइए क्या होगा जो भाषा सीखना होता है लैंग्वेज एक्विजेशन डिवाइस है भाषा सीखने के लिए जो यंत्र है हेल्प चिल्ड्रेन यानी बच्चों में सहायता करता है किस प्रकार से क्या दूसरी भाषा सीखने के लिए कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज या फिर जनरेट ग्रामर रूल्स या फिर इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाई एडल्ट तो ग्रामर व्याकरण से संबंधित है सीधे सीधे नॉम चोमस की आप याद रखिएगा व्याकरण ग्रामर ठीक है तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं जनरेट ग्रामर रूल्स ठीक है सी इज द बिल्कुल राइट आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है ध्यान आकर्षित होने में अगर हम पढ़ेंगे स्कीनर का सिद्धांत जहाँ पर आप सभी जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ठीक है या फिर जो स्कीनर महोदय है वहाँ पर आर एस थियरी ठीक है रिएक्शन स्टिमुलेशन अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत तो ध्यान आकर्षित होने में जो सबसे पहली चीज़ें देखिए उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उपायदेयता उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है या फिर उसकी तीव्रता जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उद्दीपन की सक्रियता उद्दीपन को सक्रिय होना चाहिए ठीक है उद्दीपन को सक्रिय होना चाहिए अब आप यहाँ पर कहेंगे कि उद्दीपन की तीव्रता क्यों नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से उद्दीपन की सक्रियता यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ज्यादा सही आंसर है उद्दीपन की तीव्रता तब होता आंसर आपका सही जब यहाँ पर उद्दीपन की सक्रियता न दिया गया होता ठीक है यहाँ पर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल जो है राइट आंसर कमेंट में कर सकते हैं ठीक है ताकि उसको करेक्ट किया जा सके बाकी दोस्तों हमारे तरफ से हर संभव प्रयास होगा कि जो बिल्कुल सही आंसर हो होगी आपको आंसर बताया जाए क्योंकि देखिए बुक से अगर देखेंगे तो एक एक दो दो आंसर हर बुक में आपको डिफरेंट ही मिलेंगे इस प्रश्न को करने से पहले जल्दी से आप लोग एक प्रश्न का आंसर दीजिए मैं की पूछ रहा हूँ ओरली इकाई योजना आप सभी ने नाम सुना होगा इसके प्रतिपादक का नाम बताइए इकाई योजना के प्रतिपादक इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है हार्बर्ट महोदय ठीक है याद रखिएगा और देखिए जैसे कभी कभी होता है ना जो खेल विधि है उसके प्रवर्तक कौन है उसके जनक कौन है प्रवर्तक जनक प्रतिपादक देखिए जनक और प्रतिपादक एक ही हैं, प्रवर्तक अलग हो जाते हैं ठीक है थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रॉबल और उसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कुक में ये प्रश्न देखिए आप लोग शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है सबसे पहले आप लोग तो यहाँ पर ये यह क्लियर कर लीजिए डिस्कैल्फिया क्या है डिसलेक्सिया क्या है डिस्ग्राफिया क्या है देखिए पठन विकार लिखने का विकार या फिर गणितीय गणनाओं के करने का विकार ये जो है तीनों आपके इनसे संबंधित है डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्कैल्फिया डिस्थीमिया तनाव की स्थिति तो जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं सामान्यतः है, उनमें डिस्थीमिया की शिकायत देखने को मिलती है डिस्थीमिया की एक होता है डिसलेसिया जहाँ पर बच्चे सुबह देर से उठते हैं ठीक है इसी तरह से एक ऑटिजम होता है जहाँ पर बच्चे अपने आप में ही खोए रहते हैं इसके अलावा एक आपका इसके फोल्डिंग सिद्धांत है वाई वाला जहाँ पर बच्चों को आ, अस्थाई सहारा देना होता है यानी जब वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं तो उन्हें फिर हम छोड़ देते हैं इसके फोल्डिंग वाइज वाई की का है ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एसटेट में जल्दी में तो आ सकता है सुपर में कोई कह नहीं सकते हैं ठीक है थीके? थोड़ा सा पीडोगोलॉजी के अलावा थोड़ा सा आप कुछ हट के भी प्रश्न देख लिया करें क्योंकि पंद्रह क्वेश्चन ही हर सेक्शन में पीडोगोलॉजी बाकी पंद्रह क्वेश्चन आपका अदर ही होता है एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग एक हलवाई है खाना बनाने वाला और वो खाना बना रहा है और खाना को जो है जो बनाते समय ही टेस्ट करके देख रहा है कि खाना अच्छा बनाए कि नहीं बनाए वह क्या कर रहा है सीखने का आकलन सीखने के लिए आकलन ठीक है या फिर इसी तरह से आप चार ऑप्शन बना लीजिए तो इसमें आपको राइट आंसर आप इसका बताना है मुझे क्या होगा अब देखिए वो खाना बनाते समय खाना को टेस्ट कर रहा है ठीक है यानी खाना बनाते समय टेस्ट कर रहा है खाने खाने को खाना मतलब हो गया सीखने के लिए आकलन कर रहा है जैसे हमने क्वेश्चन आपको कराया था अभी कि टीचर है बच्चे को भ्रमण करने के लिए ले गए बाद में वहाँ पर चर्चा करते हैं ये भी क्या हो गया आपका सीखने के लिए आकलन ठीक है तो आकलन से असेसमेंट से एक प्रश्न आपका आना ही आना है बिल्कुल आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए सीखने का आकलन सीखने के लिए आकलन सीखने के बाद आकलन आकलन का ठीक है सीखने का आकलन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है सीटेड में जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है देखिए कभी भी अनिवार्यता केवल मात्र इस तरह का प्रश्न होना ऑप्शन होना तो वह ऑप्शन ज़्यादा करके ना नाइन्टी फाइव परसेंट केसेज में सही नहीं होता है वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं है ये आंशिक रूप से सही हो सकता है पूरी तरह से सही नहीं हो सकता वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं ये बिल्कुल सही है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा राइट आंसर जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं देखिए दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं या भी पूछे जाएंगे ठीक है मोस्ट संभावित बिल्कुल मोस्ट प्रॉबेबल वही प्रश्न यहाँ पर करा रहा हूँ तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा वीडियो थोड़ा सा मैं लंबा बना रहा हूँ ठीक है इसे आप देख लीजिएगा और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले फर्स्ट आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ें आने वाले सुपर टेट के लिए भी हमने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है ठीक है और हमारे यहाँ से कम ही आपको मटेरियल दिया जाएगा लेकिन टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा सॉल्व कराए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो सके और हमारा फेसबुक पेज और साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपके मैथ हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे पर्यावरण हो चाहे आपका सी डी पी हो सभी से यहाँ पर जो है हमने पीडियोगजी को भी लिया है और एन सी आर टी के भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है ठीक है या फिर प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन हैं और उनके आधार पर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले परीक्षा में यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है शिक्षण सहानुभूति समदृष्टि परिणाम छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है सहानुभूति आप तुरंत कट कर दीजिएगा ये कभी नहीं हो सकता सहानुभूति नहीं होता है बच्चे को सहानुभूति नहीं देना है बल्कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है बच्चे को व्यवहारवादी बनाना है ठीक है ये सारी चीज़ें होती है बच्चे को सकारात्मक पहलू या सकारात्मक बनाना है समदृष्टि ये भी आपका नहीं होगा ठीक है सबकी समदृष्टि नहीं हो सकती है शिक्षण शिक्षण से के अलावा देखिए शिक्षण एक प्रक्रिया है उसमें कई तरह की हम कलाओं का कई तरह की विधियों का ठीक है प्रविधियों का यूज करते हैं जैसे प्रेरणा हो गया तो प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है मोटिवेशन ठीक है यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्या है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने पर असेसमेंट करने में क्या सबसे कम उपयोगी है तो क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा सबसे कम उपयोगी पीछा मतलब पूछा मतलब चारों ही आपके उपयोगी है इसमें सबसे कम उपयोगी कौन सा होगा चित्र देखकर कहानी कविता लिखना ये तो आप अगर ऐसे होता सबसे अधिक उपयोगी तो उस स्थिति में आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो सकता था दूसरा है पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना ये भी हो सकता है बिल्कुल उपयोगी है किसी घटना का वर्णन करना चौथा है आपका है नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपने नए दोस्त के बारे में बताना ठीक है तो यहाँ पर देखिए चारों ही ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे पाठ के अंत में दिए सवालों का केवल जवाब लिखना ये कोई भाषा का आकलन करने का बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता बाकी तीनों आपके हो सकते हैं सबसे कम अगर उपयोगी पूछा जाए उस स्थिति में पूरी तरह से नहीं नहीं कह सकते हम ठीक है लेकिन सबसे कम उपयोगी पूछा है उस स्थिति में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर विकास में व्ययतिक विभिन्नता को समझने के लिए व्यक्तिगत जो पर्सनल एक दूसरे की जो इच्छित विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है ठीक है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट क्या महत्वपूर्ण है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना या शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना या फिर वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना मुझे लग रहा है आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दे लेंगे ठीक है तो वंशानुगत यानी आनुवंशिक जो विशेषताएं होती हैं उनके साथ साथ जो सामाजिक जो पर्यावरणीय कारक उनके जो प्रभाव होते हैं ठीक है पारस्परिक क्रिया पर इन पर विचार करना ये यह हमारा यहाँ पर सबसे अच्छा और क्या कह सकते हैं यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो प्रश्नों की प्रकृति आप जरूर समझ लीजिएगा अगला देखिए यहाँ पर आप पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी पुनर्बलन ठीक है तो पुनर्बलन या पुनर्बलक आपने पढ़ा होगा बिल्कुल एस हॉल के सिद्धांत तो जहाँ पर चर अनुपात हो ठीक है देखिए पुनर्बलन दो होते हैं सतत आंशिक आंशिक जो है पुराने व्यवहार को सीखने में और जो सतत होता है नए व्यवहार के लिए इसी तरह से सकारात्मक और नकारात्मक भी होते हैं लेकिन जो चर अनुपात होता है जो वेरिएबल होता है जो बदल सकता है चर अनुपात होता है पुनर्बलन की अनुसूची में सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है ये हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन तो सीटेट में आने की संभावना कमी बस बस केवल आप जानते रहिए यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए कि एक बालिका का उसके पिता के प्रति आकर्षण को प्रायड ने क्या कहा है इलेक्ट्रो ग्रंथी और जो ओडिपस ग्रंथी होता है एक बालक का अपने माता के प्रति आकर्षण ठीक है तो उससे संबंधित ग्रंथि को प्रायड ने ओडिपस ग्रंथि कहा है जबकि एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को इलेक्ट्रो ग्रंथि निम्न में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है प्रशंसा एक बिस्किट बहुत अच्छा खाना अब आप यहाँ पर ऐसे इमेजिन करिए कोई बच्चा है उसको आप उसके आप प्रशंसा करिए उसको आप बहुत अच्छा कहिए या एक बिस्किट दीजिए आप बताइए इन तीनों में से ज़्यादा प्रभाव कौन डालेगा प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में कौन यहाँ पर काम करेगा ठीक है सभी को पता है एक बिस्किट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था तो जॉन लॉक ये देखिए आए हुए प्रश्न है दोस्तों इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है बाकी प्रश्नों की संख्या तो बहुत है बहुत सारे प्रश्न हैं अगर आप सिद्धांत ही देख लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं ठीक है थेके? अगला क्वेश्चन देख लीजिए और ये प्रश्न सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानव विकास को कितने क्षेत्रों में प्राथमिक रूप से विभाजित किया जाता है ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं हम लोग लेकिन अगर प्राथमिक रूप से पूछे तो आप क्या आपका आंसर क्या होगा ये ऐसे ऑप्शन होते हैं ना कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चल पाता अगर हमने सही से हमें नहीं पता है ना तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है सबसे पहले आप याद रखिएगा शारीरिक शारीरिक होना ही चाहिए आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है ठीक है सामाजिक बिल्कुल होना ही चाहिए संव्यात्मक होना ही चाहिए ठीक है और संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक आप सभी जानते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए ठीक है मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ आंसर यहाँ पर हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए वाला शारीरिक अब इसको आप जैसे भी याद कर सकते हैं शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक बिल्कुल आप इसी क्रम से याद कर लीजिए चारों ही जो वर्ड है शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है बाल्यावस्था की बात की जा रही है सैशवावस्था कब से कब तक बाल्यावस्था पूर्व सैशवावस्था पूर्व बाल्यावस्था जीरो से छ ठीक है और इसी तरह से आप छः से नौ को आप डिवाइड कर लीजिएगा पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था ठीक है नौ से बारह तक उसका बारह से आगे किशोरावस्था जीरो से छः तक सैशवावस्था में भी आप डिवाइड कर लीजिएगा पूर्व सैशवावस्था जीरो से तीन और उसके आगे जो है उत्तर सैस्वावस्था ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ये क्वेश्चन इस इनमें इन से जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो बाल्यावस्था के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है सामूहिकता की भावना यानी बालक जब बाल्यावस्था में जब बच्चा आ जाता है तो उसके अंदर सामूहिकता की भावना का विकास होने लगता है ठीक है सामूहिकता का भाव सामूहिकता की भावना का विकास चलिए अब इसका आंसर करिए आप सभी लोग यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का नहीं तार्थ है उपयुक्त पुनर्बलन की कमी उनके अनुभव की कमी इन जीवों की सुस्ती या फिर अधिकम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव जल्दी से बताइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कोई भी आप क्वेश्चन स्किप मत करिएगा सभी का आंसर देते चलिए और किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और अदर जो मित्र हैं अगर आपको बिल्कुल सही कुछ भी उसमें जो भी डाउट्स हो हालांकि यहाँ पर मैं हंड्रेड परसेंट कह रहा हूँ कि सही प्रश्न ही आपको बताने का प्रयास किया गया है एक दो प्रश्नों की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ दोस्तों हो सकता है मे भी हमारे बताने में भूल हो सकती है त्रुटि हो सकती है देखिए जो अधिकम सीखना है यहाँ पर मछली और उल्लू के लिए उल्लू तैरना क्यों नहीं सीख सकते ठीक है तो यहाँ पर उनकी जैविक सीमाएं हैं कि उल्लू को उड़ना है रात्रिचर प्राणी है दिन में इनको दिखाई नहीं देता ठीक है अल्ट्रासोनिक वेव्स ये तरंगे पराश्रव्य तरंगे ये भेजते हैं वे टकरा करके वापस आती हैं तो इन्हें अपने सामने किसी अवरोध का किसी से टकरा न जाए यानी जो भी चीजें होती हैं इनको रास्ते का पता चलता है ठीक है तो यहाँ पर अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव बिल्कुल आपका हो जाएगा राइट आंसर फोर अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है सॉरी को पियाजे ने जिन पियाजे ने क्या कहा है संरक्षण केंद्रीकरण क्रमबद्धता या फिर अनुकूलन केवल एक पहलू पर ध्यान देता है तो अनुकूलन हो नहीं सकता क्रमबद्धता हो नहीं सकता संरक्षण हो नहीं सकता यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण ठीक है सेकंड वाला केंद्रीकरण अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर यदि पहले सीखा गया क्या कार्य आप सभी से मैं फिर से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कोई भी यहाँ पर वीडियो जोड़ के जाइएगा मत आप लोग ठीक है बाद में अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप लोग फिर कमेंट मत करिएगा मुझे ये क्वेश्चन हमारा क्यों गलत हो गया ठीक है तो हर संभव यहाँ पर यथासंभव कोशिश की जा रही है आप सभी के लिए और अभी समय है और इसी तरह के बड़े बड़े मतलब जो भी अधिक प्रश्नों को एक साथ इंक्लूड करते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ तो आप कोई भी वीडियो या कोई भी आप लोग क्वेश्चन या कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा बिल्कुल आसान सा प्रश्न है इसी में देखिए समायोजन अनुकूलन ये जो सारी चीज़ें बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि कोई सीखा हुआ कार्य नए सीखे हुए कार्य में सहायता करता है ठीक है यहाँ पर देखिए स्थानांतरण पूछा गया है ठीक है बिल्कुल सही आंसर होगा आपका नकारात्मक और अगर बाधा उत्पन्न नहीं करता बल्कि सहायता उत्पन्न करता उसमें सहयोग उत्पन्न करता तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाता सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम का और अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण यहाँ पर राइट आंसर है यदि पहले सीखा का गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अगला प्रश्न देख लीजिए और यह ऐसा प्रश्न है जहाँ पर आपको चारों ही ऑप्शन सही बताने वाले यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि मैंने देखा है ऑलरेडी मैंने ये प्रश्न पूछा हुआ है तो बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें आज आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए अनुमान लगाना और अक्षरों की पहचान ये आप सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं कर सकते अगर आप तुलना करेंगे संदर्भानुसार अर्थ देखिए संदर्भानुसार जो अर्थ होता है ये बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि उसकी जो भाषा अक्षर भले ना पहचान पाए लेकिन जो उसका अर्थ है जो बताना चाह रहे हैं आप वो बच्चा सीख जाता है समझ जाता है ठीक है भले वो भाषा पढ़ना ना जानता हो भाषा में जो अक्षर शब्द न पहचान पाता हो लेकिन संदर्भानुसार अर्थ वो पहचान लेता है ये तो आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा अनुमान लगा सकता है अक्षरों की पहचान भी कर सकता है लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा जाए उस स्थिति में यहाँ पर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर पढ़ने का उद्देश्य ये डी हो जाएगा अब यहाँ पर पढ़ने का उद्देश्य आप अगर अपने हिसाब से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये आंसर कैसे हो सकता है आप बच्चे की जगह रह करके देखिए बच्चे के लिए पढ़ने का उद्देश्य ज़्यादा जरूरी है या उसको समझ में आ रहा है या फिर संदर्भानुसार अर्थ अनुमान लगाना अक्षरों की पहचान करना फिर आपको बिल्कुल राइट आंसर समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित तो होगा इस प्रश्न का दो आंसर अलग अलग बुक्स में दिया गया है ठीक है देखिए पहला तो होगा नहीं पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे ठीक है ये तो होगा नहीं दूसरा देख लीजिए पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं ठीक है और तीसरा देख लीजिए यहाँ पर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ शिक्षा का अधिकार एक साथ शिक्षा ग्रहण ठीक है इसका प्रयास किया जाता है तो कभी भी उन्हें अलग थलग रह करके शिक्षा नहीं दी जाती है तो कक्षा में रह के नहीं ठीक है तो ये तीसरा आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है पहला आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है अब हम दूसरे और चौथे वाले पर विचार करेंगे अगर बच्चा नहीं जा रहा है खेल के मैदान पर ठीक है तो उससे शिक्षिका ये कह सकती है कि आप लोग आप खेल आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते उन्हें जाने के लिए कह सकते हैं ठीक है उन्हें कोशिश करने के लिए कहा जा सकता है आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा जा सकता है कभी भी सहानुभूति दया ये सब वर्ड आए तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता ठीक है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं तो यहाँ पर भी जहाँ मदद दो बच्चों से या जहाँ पर मदद की बात की जाए देखिए एक संदर्भ में सही हो सकता है लेकिन दो और चार इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपका ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा फोर होगा हालांकि यहाँ पर ज़्यादा करके लोग सेकंड वाले ऑप्शन को सही बताएंगे लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होना चाहिए सेकंड की तुलना में ठीक है जो एन हमारा है जो हमारा समावेशी शिक्षा है उसको अगर आधार मानेंगे उसको आधार मानते हुए मुझे यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर फोर लग रहा है ठीक है एक प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है पूछा है सबसे कम प्रभावी मित्रों मैंने कुछ प्रश्न कहीं से उठा लिए हैं तो उन सभी भैया उन सभी बहनों से निवेदन है कि आप लोग परेशान मत होइएगा मैंने किसी का कोई कापी पेश नहीं किया है प्रश्नों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ठीक है या तो मैं प्रश्नों को कहीं कापी पर लिखूँ या फिर उसको मैं टाइप करूँ ठीक है तो यहाँ पर जल्दी से अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराने के लिए मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं कहीं से जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिए हैं मैंने ठीक है लेकिन जो उनके प्रश्नों के जो आंसर जो हल है उसके मैंने विश्लेषण अलग से कर रखे हैं वो विश्लेषण मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है उसको मैं यहाँ पर आपको ओरली समझा रहा हूँ तो बिल्कुल आप लोग उसे देखते चलिए समझते चलिए और जितना अधिक से अधिक प्रश्न हो सकेगा उसको करने का प्रयास करेंगे और पूरी तरह से केवल और केवल जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति अब देखिए जो अभिव्यक्ति के प्रकार अगर आपने पढ़ा होगा ठीक है मौखिक प्रकार से लिखित प्रकार से सांकेतिक प्रकार से तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है घटना का वर्णन करना कहानी को शब्द सा दोहराना कहानी को अपनी भाषा में कहना चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना कहानी को अपनी भाषा में कहना ये तो सबसे अधिक प्रभावी होगा ठीक है सबसे कम प्रभावी अगर बात की जाए यहाँ पर तो बी हो जाएगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर कहानी को शब्द सा दोहराना रटना दोहराना ये सभी नहीं है ठीक है इन सभी को बिल्कुल आपको कट करना ये ऑप्शन नहीं हो सकते ये क्वेश्चन देख लीजिए एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ हिंदी में हिंदी वाले मतलब हिंदी लैंग्वेज में हिंदी भाषा में जहाँ पर बताया गया है कि जो मानव या जो विकास है ह्यूमन डेवलपमेंट है इज डिवाइडेड इन टू डोमेन्स सच एज मैंने आपको वहाँ पर बताया था शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक मतलब फिजिकल ग्नेटिव हो गया संज्ञानात्मक इमोशनल हो गया संवेगात्मक और सामाजिक सोशल ठीक है तीसरा यहाँ पर होगा राइट आंसर बिल्कुल इसे आप लोग याद कर लीजिए जैसे भी आप लोग इसे याद कर सकते हैं पी सी ई एस जैसे भी आप इसे साठ फॉर्म में याद कर सकते हैं आप लोग इसे याद कर लीजिए भैया ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके हिंदी वाले या इंग्लिश वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा ठीक है तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चलिए इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर वाले में 2019 वाले में इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सनेट साउंड साउंड कितने कॉन्सनेंट साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अब आप टोटल 26 सिक्स अल्फ़ाबेट्स देखेंगे फिर आप बोलेंगे पांच उसमें होते हैं नॉबल्स तो हमने यहाँ पर ट्वेंटी वन बचा कॉन्सनेंट्स तो हम बोल देंगे ट्वेंटी वन भैया यहाँ पर कॉन्सनेंट साउंड्स पूछा गया है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं पूछा गया है ठीक है ट्वेंटी वन जितने लोगों ने बताया है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फोर इसको आप याद रखिएगा चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग देखिए मित्रों यहाँ पर ज्यादा करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ओरली बता रहा हूं मैं उसको नोट डाउन या उसको मैं लिख नहीं पाया हूं अभिभावक और शिक्षक के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उनके बीच में आपसे संवाद होता है उसका उद्देश्य क्या है मतलब अभिभावक और शिक्षक अंत क्रिया इसका क्या उद्देश्य है आप सीधे सीधे बस ये बताइए मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ बच्चे हैं बच्चों में सुधारात्मक जो प्रवृत्ति विकसित हो ठीक है पुनर्बलन का प्रयोग हो सके पुनर्बलन हो सके बच्चे की जो योग्यता है जो उनकी कमजोरियाँ हैं उनको पहचाना जा सके निदान हो सके निदानात्मक हो सके परीक्षण और साथ में उपचारात्मक शिक्षण हो सके ठीक है तो पुनर्बलन इसके बाद योग्यता कमजोरियों को पहचानना ठीक है साथ में सुधार की जो गतिविधि है वो संपन्न करवाई जा सके उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक ठीक है पहले निदान होगा पहले पता तो चले त्रुटियां है क्या कमियाँ कहाँ पर है ठीक है तो इसके लिए अभिभावक और शिक्षक जो है अंतर क्रिया होना अत्यंत आवश्यक होता है चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए आप सभी लोग प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए चारों ही ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे लेकिन यहाँ पर आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे सही आंसर हो सकता है इस प्रश्न के लिए विभेद नहीं करना चाहिए बच्चों में किसी भी आधार पर उनके शारीरिक अक्षमता के आधार पर मानसिक अक्षमता के आधार पर किसी भी आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए समावेशी शिक्षा समावेशी का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास ठीक है आपने सुना होगा तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए कुछ वर्ड होते हैं ना आपको बिल्कुल उनको पकड़ लेना है जैसे समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया सभी के लिए समान लक्ष्य सभी के लिए समान एजुकेशन समान रूप से शिक्षा दी जाए एक साथ शिक्षा दी जाए एक प्रांगण में बैठा करके उनको अलग थलग न रखा जाए ठीक है उनको सहानुभूति न दिया जाए उनको आत्मनिर्भर हेतु प्रेरित किया जाए उनको स्वतंत्र चिंतन करने के लिए प्रेरित किया जाए ये कुछ ऐसे वर्ड कुछ ऐसे की वर्ड की सेंटेंस न, की पॉइंट है ना इनको आपको पकड़ लेना है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा कभी भी आप देखिए होता क्या है ना हम कितना भी पढ़ के जाते हैं फिर ऑप्शन आ जाते हैं ना वहाँ पर हम कन्फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है ठीक है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए आप लोग और आशा करते हैं अब आपका यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो और 150 में से कम से कम 120 115 इसके ऊपर ही आपके मार्क्स आए यही उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए ठीक है बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है आपने कितना स्टडी किया पहले से कितनी आपकी तैयारी है चलिए इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि सी एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड सी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीला होता है ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है सी ओ टी की तुलना में ऐसा क्यों देखिए बेसिकली होता क्या है जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन क्रिया के दौरान अंदर लेते हैं तो यह जो होता है ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा तेज़ गति से हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है जब ज़्यादा तेज़ गति से हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता रक्त की ब्लड की कम हो जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है जब ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में इससे क्या होता है मनुष्य का दम घुटने लगता है यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर डी है लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये गला घोटू गैस कौन सी है या क्यों इससे दम घुटता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन कम बचते हैं तो कम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कम बचेंगे ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करेंगे उस स्थिति में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में इस वजह से जो है दम घुटने लगता है और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सूंघ लिया जाए तो खतरा उत्पन्न हो सकता है तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर चलिए इसका आंसर करिए और कुछ प्रश्न मैं आपसे ओरली पूछ रहा हूँ इसके पहले जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसको आप किस नाम से कैसे आप उसको नोटिफाई कैसे आप उसको बता सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ठीक है जिन्होंने चार चारों चरणों में डिवाइड किया है जल्दी से आप लोग नाम बताइए कमेंट करके ठीक है पूर्व संक्रियात्मक और ठीक है चारों आपके बिल्कुल याद होने चाहिए जीन पियाजे का जो चारों सिद्धांत है संज्ञानात्मक का इसी तरह से मान लीजिए मैंने आपको एक नाम दे दिया थार्डाडाइक महोदय का तो प्रयास भूल ये आ जाएगा स्किनर महोदय हो गए तो अभी प्रेरणा अनुदेशन ठीक है अनुक्रमादेशन या फिर आर्यस थियरी या फिर नैमित्तिक सिद्धांत या फिर यांत्रिक सिद्धांत पावलाव महोदय आ गए पावलाव कुत्ते वाला लाठपकने वाला तो शास्त्रीय ठीक है अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय में आप ऐड कर लीजिएगा मैं पूरा नहीं मैं बोल रहा हूँ नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत यांत्रिक अनुबंधन का सिद्धांत ये स्किनर महोदय हो गए क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव महोदय हो गए वाई गोष की स्के फोल्डिंग सामाजिक अधिगम ये सभी हुए हो गए ठीक है व्यवहारवादी वाटसन ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कुछ ऐसे नाम हैं बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए ठीक है जैसे जॉन लॉक हो गए जिन्होंने खाली स्लेट का है बच्चे के मस्तिष्क को ठीक है खेल विधि के प्रवर्तक ठीक है तो ये सभी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए प्रॉबेल है और माउंटेसरी विधि है ठीक है इसके अलावा जो आपका ह्यूरिस्टिक विधि है ठीक है आर्म स्ट्रांग वाले और इसी तरह से पेस्टोलॉजी हो गया आपका किल पैट्रिक वाला पर्यटन विधि हो गया संपर्क विधि हो गया ठीक है इसके बाद प्रयोजनवादी या फिर प्रयोग विधि हो गया आपका ठीक है तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फुल फॉर्म आप लोग जितने भी आपको मिल रहे हैं उसको आप देखते चलिए टी एल एम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अ ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज फॉर पुटिंग द कट आउट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ये कभी ये पर्पज़ नहीं हो सकता ठीक है टी एल एम का यहाँ पे बिल्कुल पहला वाला राइट आंसर है बाकी इन तीन आंसर थर्ड और सेकेंड थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं टीचिंग कैन बी इफेक्टिव थ्रू द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स बिल्कुल सही है ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स कॉम्प्रेहेंड डिफिकल्ट आर मोनोटोनस टोनस कॉन्टेंट बिल्कुल सही है टेक्स्ट बुक्स आर वन ऑफ द मेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज इन क्लासरूम्स एक प्राथमिक हो सकता है बिल्कुल सही है ये तीनों ही आपके आंसर हो सकते हैं ठीक है ये आपका फर्स्ट नहीं हो सकता यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर चलिए इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंटस्थ करवाना ये तो होगा नहीं ठीक है एक देखिए जो भाषा का जो व्याकरण से संबंधित सिद्धांत है नॉम चौमसके आप याद रखिएगा जहाँ पे ग्रामर व्याकरण की बात की जाए वहाँ पर चौमसके से आप तुरंत आ जाएंगे अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना मातृभाषा की लिपि का लिपि की पहचान करवाना ठीक है तो इन तीनों में जो सबसे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पहला आपका हो ही नहीं सकता है और इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में आपका सेकेंड भी नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक प्रश्न मैं आपसे यहीं पर पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके कक्षा में कई भाषाओं वाले बच्चे हैं तो आप इसे किस प्रकार से देखेंगे अवसर के रूप में देखेंगे या फिर बाधा के रूप में देखेंगे आप शिक्षक हैं आप कैसे उसका उपयोग करेंगे बताइए जल्दी से आप सभी लोग तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसर के रूप में देखेंगे बहुभाषी बच्चे बच्चे अगर हैं और मान लीजिए आपको वहाँ की मातृभाषा नहीं आ रही जहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए भेज दिया गया है तो आप वहाँ पर बच्चों के माध्यम से ही आप शिक्षण कार्य करवा सकते हैं ठीक है तो बहुभाषी कक्षा होने से फायदा है अवसर मिलते हैं उससे अवसर बढ़ जाते हैं कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं होता है चलिए एक प्रश्न का आंसर आप लोग और करिए जेंडर लिंग को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है जेंडर लिंग है मैं आपको केवल दो ऑप्शन बता रहा हूँ जिसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं एक है आपका जैविक संरचना और दूसरा आपका है सामाजिक संरचना उसी को आप सामाजिक सत्ता बोल दीजिए जैविक सत्ता बोल दीजिए ठीक है तो जैविक सत्ता आप ले लीजिए और सामाजिक संरचना ये दो ऑप्शन है आप बताइए दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा जैविक सत्ता हो गया और दूसरा हो गया आपका सामाजिक संरचना ठीक यहां पर आपको दोनों ही आंसर सही लग रहे होंगे तो यहां पर आपका जो ज्यादा सही आंसर होगा जैविक सत्ता सामाजिक संरचना के रूप में इसको हम नहीं देखते हैं जैविक सत्ता के रूप में देखते हैं जेंडर को लिंग को ठीक है तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा जैविक सत्ता या फिर जैविक संरचना बिल्कुल आप इसे याद कर लीजिए कंठस्थ कर लीजिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिछली बार पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है चलिए इसका आंसर करिए आप सभी लोग दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लेती है वह उपयोग करती है कम करने की विधि का द्वितीयक विस्तारण विधि का उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का एक प्रश्न यहाँ पर आप लोग जल्दी से और बताइए आगमन विधि और निगमन विधि के संबंध में आगमन विधि को हम कहते हैं व्याकरण की विधि व्याकरण सीखने के लिए प्रविधि वहीं पर जो निगमन विधि है ये गणित शिक्षण में प्रयोग किया जाता है निगमन विधि गणित शिक्षण में और आगमन विधि व्याकरण के शिक्षण में फिर देखिए आगमन और निगमन विधि से संबंधित एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है जैसे उदाहरण देकर नियम को समझाना और नियम बताकर उदाहरण देना ठीक है जैसे नियम बताकर उदाहरण देना यह हो गया हमारा ठीक है फिर से देख लीजिए यहां पर निगमन विधि और आगमन विधि तो नियम बताकर नियम बताकर उदाहरण के द्वारा उसे समझाना ये होता है हमारा आगमन विधि और उदाहरण दे करके नियम को बताना नियम को समझाना ये हो गया हमारा निगमन विधि इसी तरह से देख लीजिए जैसे बच्चा शिक्षण करता है उसमें जो भूमिका होती है प्राथमिक और द्वितीय भूमिका होती है जैसे प्राथमिक में आपका विद्यालय हो गया परिवार हो गया रिश्तेदार हो गए ठीक है द्वितीयक में या फिर जो गौड़ में हो सकते हैं समाज होता हो सकता है या जो दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण पेडौची में यहाँ पर देख लीजिए जो आंसर आपका सही होगा कि वह छोटे छोटे हिस्सों में कर लेती है कार्य को इस तरह से वह कार्य का विभाजन करके उसे आसान बना लेती है तो उपलक्ष्य व विश्लेषण विधि उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रही है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक देखिए जो संश्लेषण विधि है और दूसरा आपका है विश्लेषण विधि संश्लेषण विधि में क्या करते हैं छोटे छोटे कई प्रविधियों को मिला करके एक प्रविधि बनाते हैं और विश्लेषण में क्या करते हैं किसी एक बड़े प्रविधि को हम बांट करके कई वर्गों में कई भागों में बांट करके उसका हम अध्ययन करते हैं तो जहां हमें डिवाइड करना हो वहां पर विश्लेषण और जहां पर हमें कंबाइन करना हो जोड़ना हो वहाँ पर संश्लेषण इस तरह से आप याद कर सकते हैं संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि को चलिए यहाँ पर आप सभी के सामने तीन क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण के प्रमुख स्रोत हैं परिवार शिक्षक श्रेष्ठ जन उपरोक्त सभी मुझे लग रहा है इस प्रश्न का आंसर सभी लोग दे लेंगे बालक के समाजीकरण पूछा गया है ठीक है बिल्कुल भैया यहाँ पर तीनों हो जाएंगे मतलब यहाँ पर उपरोक्त सभी डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर चलिए अगला देख लीजिए इसके बाद बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं जहाँ पर भी इस तरह के विभेद होते हैं चाहे भाषा के आधार पर जाति के आधार पर धर्म के आधार पर तो वहाँ पर सामाजिकरण सोशलाइजेशन का विकास नहीं हो सकता है तो बालकों के सामाजिकरण में असफल रहने वाले विद्यालय यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा तो डी हो जाएगा इस तरह से करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए इसी में पेस्टोलॉजी के अनुसार बच्चे के विकास में देखिए अभी हमने आपको पर्यटन विधि संपर्क विधि अभी हमने आपको बताई तो पेस्टोलॉजी का नाम आप याद रखिएगा पेस्टोलॉजी के अनुसार बच्चे के विकास में शिक्षा का विनियमन कैसे अनुसक कै, कैसे अनुशासन में होना चाहिए अत्यंत कठोर अत्यंत कठोर निरंकुशता जैसा देखिए निरंकुश तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए ठीक है निरंकुश नहीं होना चाहिए बिल्कुल नम्र भी नहीं होना चाहिए याद रखिएगा बिल्कुल नम्र भी नहीं होना चाहिए और कठोर भी नहीं होना चाहिए निरंकुश भी नहीं होना चाहिए ठीक है जितने भी आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें आप बुक पढ़ते रह जाएंगे वीडियो देखते रह जाएंगे कहीं से भी आप नहीं समझ में आता है ठीक है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें बताई जा रही हैं कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें बताई जा रही हैं तो आप लोग कोई भी एक कोई भी पार्ट आप वीडियो का स्किप मत करिएगा पूरा वीडियो एंड तक देखिए थोड़ी देर और वीडियो चलेगा अभी कुछ और प्रश्न यहाँ पर है महत्वपूर्ण तो प्रकृति के अनुरूप यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नम्र लचीला ये बिल्कुल नहीं हो सकता निरंकुशता कठोर ये बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक है प्रकृति के अनुरूप प्रकृति के अनुरूप पिस्टोलॉजी के अनुसार बच्चे के विकास में शिक्षा का विनियमन इस प्रकार से अनुशासन में किया जाना चाहिए प्रकृति के अनुरूप डी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं दोस्तों मैथ्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन काफी ज्यादा कम है मैं मैथ्स के लिए पीडियोगजी छोड़ करके जो शेष पंद्रह प्रश्न आते हैं मैं बिल्कुल आप सभी को विश्वास दिला रहा हूँ गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग पंद्रह में से तेरह चौदह प्रश्न आपके सही होंगे ही होंगे मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें केवल और केवल मैथ्स के, के, मैथ के प्रश्न रहेंगे पीडोगाजी नहीं रहेगा ठीक है पीडोगाजी आप पंद्रह में से कर लीजिए दस बारह तेरह सही कर लीजिए आप लेकिन बाकी जो पंद्रह प्रश्न है वहाँ पर तेरह चौदह ठीक है पंद्रह प्रश्न तक हो सकते हैं बिल्कुल मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ठीक है आप हमारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगले वीडियो में केवल और केवल मैथ्स के, के प्रश्न में लेकर के आऊँगा सीटेट के लिए दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन कैल्शियम विटामिन डी देखिए विटामिन सी दूध में नहीं होता है याद रखिएगा अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है तो आप याद रखिएगा पके हुए आम में ठीक है बहुत लोग गाजर या फिर पपीते का नाम ले लेंगे तो पके हुए आम में सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा होती है कच्चे आम में विटामिन सी होता है दूध में विटामिन सी नहीं होता है ठीक है दूध में जो है विटामिन डी होता है विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन डी का जो निर्माण होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत जिसके अंदर विटामिन डी का निर्माण किया जाता है ठीक है तो याद रखिएगा इसको और इसके बाद जो है अंतस्रावी ग्रंथि बहिष्श्राविक ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड अग्नाशय तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे फैक्ट्रे हैं जो जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता है संभावना यूपी टेट या सुपर टेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर केवल इतना आप जानते रहिए दूध में विटामिन सी नहीं होता है विटामिन डी होते हैं प्रोटीन होता है कैल्शियम होता है ठीक है और इसके अलावा आयरन लोहा देखिए जो माँ का दूध होता है उसमें होता है ठीक है और कुछ इसी तरह की चीज़ें और भी हैं तो आप इतने याद रखिएगा यहाँ पर विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला फर्स्ट वाला देखिए एक प्रश्न पूछा गया था लास्ट ईयर वाले में 2019 वाले में कोलबर के नैतिक सिद्धांत से यदि आप ईमानदार हैं तो माता पिता आप आप पर गर्व करेंगे और इसके लिए जो है चार ऑप्शन दिया गया था जिसमें दंड आज्ञाकार था एक ऑप्शन था दूसरा ऑप्शन था अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला तो दोनों में से कौन सा आंसर दोनों में से कौन सा राइट विकल्प होगा तो जहाँ पर ज़्यादा करके लोगों ने यही बताया था कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की दंड आज्ञाकारिता वाला भी आपसन वहाँ पर सही था तो आप अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला आप्सन ही वहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल आंसर किया आया था उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा उसको तो कॉलबर का नैतिक जो सिद्धांत है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं सी में और इस बार भी पूछे जा सकते हैं तो बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए फिर एक क्वेश्चन देखिए मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ आकलन असेसमेंट प्रभावी होता है यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और इसी तरह से चार ऑप्शन और भी हैं मैं एक ऑप्शन एक आपके सामने और रख रहा हूँ यहाँ पर जहाँ पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिकम फीडबैक प्राप्त हो देखिए जो प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक होता है ये सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ठीक है तुलनात्मक अध्ययन कभी नहीं होना चाहिए ये कभी सही नहीं हो सकता है कि आप बच्चों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि वह उसके तुलना में अच्छा पढ़ने में या वह पढ़ने में कमजोर है तुलनात्मक अध्ययन सही नहीं होता है आकलन जो होता है देखिए एक तो आपने पढ़ा होगा जो एक सतत व्यापक आकलन ठीक है मूल्यांकन और इसी तरह से आकलन में हमने आपको बताया था सतत आकलन और आंशिक जो आकलन है बीच बीच में करते रहते हैं हम लोग तो जहाँ पर प्रतिपुष्टि मिलती रहे विद्यार्थियों को शिक्षकों को वह आकलन के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम होता है सबसे उपयुक्त तरीका होता है बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा आकलन से एक प्रश्न आपका आना ही आना है एक प्रश्न आ जाए दो आ जाए पाँच आ जाए दस प्रश्न आ जाए ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आकलन एक प्रश्न बताइए आप सभी लोग अधिगम को सुगम कैसे बनाया जा सकता है इसमें कई तरह के ऑप्शन आप आपके सामने हो सकते हैं दंड देकर दबाव बनाकर या नई नई चीजें सिखा करके इसमें देखिए एक मैं ऑप्शन आप, आप सभी के सामने रख रहा हूँ पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम कार्य को करना यानी बच्चे को पहले से क्या पता है पहले उसका पता करिए उसके बाद धीरे धीरे उसी के सहारे नए ज्ञान के लिए बच्चे को समायोजन अनुकूलन करना सिखाइए यह अधिगम का सर्वोत्तम तरीका होता है ठीक है चलिए यहाँ पर हम जल्दी से दो प्रश्न कर लेते हैं ये प्रश्न चलिए बताइए आप लोग जल्दी से दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है पहला प्रश्न है खिलौनों की आयु कहा जाता है किस अवस्था को और दूसरा प्रश्न है कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है ठीक है बाल्यावस्था छः से नौ जल्दी से बताइए आप सभी लोग देखिए बाल्यावस्था में पहली चीज़ तो सा, सामूहिकता की भावना विकसित होने लगती है सामूहिकता ठीक है इसके अलावा प्रश्न करने की अवस्था शुरू हो जाती है ठीक इसके अलावा और बताइए अनुकरण करने की अवस्था खेलने की जो अवस्था होती है इसे अवस्था को कहा जाता है ठीक है यहां पर गलत हो गया ना क्या गलत हो बताइए आप सभी लोग खिलौनों की आयु कहा जाता है किसे कहा जाता है सैसवा अवस्था को या फिर पूर्व बाल्यावस्था को ठीक है पूर्व बाल्यावस्था को याद रखिएगा खिलौनों की जो आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को सहसवावस्था में आप कन्फ्यूज मत होइएगा और यहाँ पर जो है प्रश्न करने की अवस्था ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा से जो तीनों प्रॉपर्टी है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है प्रश्न में पूछा है बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो प्रश्न करने की अवस्था बाकी दल या समूह में रहने की अवस्था अनुकरण करने की अवस्था खेलने की अवस्था ठीक है यहाँ पर भी हमने देखा खेलने की अवस्था ये सभी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता के अंतर्गत आते हैं ठीक है ये हो गया हमारा दोनों प्रश्नों के लिए राइट आंसर ए और इसका हो गया सी यहाँ पर देख लीजिए सभी कड़ प्रदूषक ये एक वर्ड आप इसको समझ लीजिएगा कड़ प्रदूषक है सिवाय किसी सिवाय एक के प्रश्न थोड़ा सा आप सही पढ़ लीजिएगा सभी कण प्रदूषक है सिवाय एक के धूल ओजोन कालिक धुआं देखिए ओजोन प्रदूषण का भी काम करता है जब ये नीचे की परतों में होता है जब ये समताप मंडल में होता है ठीक है तो वहाँ पर ओजोन परत के रूप में यह हमारे पृथ्वी की हमारी जो है सूर्य के प, अल्ट्रा सूर्य के जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से और वायलेट रेज में भी तीन तरह की रेज होती हैं आप यहीं पर देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्ट्रावायलेट यू भी यू भी ए टाइप हो गया बी टाइप हो गया और सी टाइप हो गया इसमें जो सी टाइप होता है ये ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए तो अल्ट्रावायलेट सी को जो है ओजोन परत रोकने का कार्य करती है हमारी सुरक्षा करती है सूर्य अल्ट्रा के अल्ट्रावायलेट किरणों से और उसमें भी सी प्रकार से सी टाइप से ठीक है तो ये ओतरी होता है और ओजोन जो है ये कड़ प्रदूषक का उदाहरण नहीं है शेष धूल कालिक धुआं ये सभी जो प्रदूषक हैं ये कड़ प्रदूषक के उदाहरण है, हैं एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ओजोन चलिए एक क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग जल्दी से एन 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक शिक्षण अधिगम में अपने कक्षा में शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है सत्तावादी अधिनायकवादी निर्देशकवादी या फिर सुगमवादी या आप ऐसे कर सकते हैं सहयोगकर्ता ठीक है या सुगमकर्ता की भूमिका होती है तो हमेशा याद रखिएगा सहयोग सुगम को आधार बनाया गया है एन सी के अनुसार कि बच्चे के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक विकास में शिक्षण की जो भूमिका होती है सुगमकर्ता की होती है और इसी में मैंने बताया था आप सभी को कि जो सहारा दिया जाता है अस्थायी प्रकार से जिसको हम इसका फोल्डिंग कहते हैं वाय गोष्ठी का सिद्धांत है इसको भी आप जानते रहिए तो सुगमकर्ता की भूमिका होती है शिक्षक की शिक्षण कार्य में ये प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा का ज्ञान कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश या फिर कक्षा में लिखित आकलन कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताइए आप सभी लोग क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक ज़रूरी पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में ठीक है तो यहाँ पर सबसे जो अधिक जरूरी होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है ठीक है उच्च प्राथमिक स्तर पर थोड़ा सा वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होती हैं तो उसको हम यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं जो भी अलग चीज़ें हैं यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा थर्ड वन बाकी भाषा शिक्षा का भाषा का ज्ञान कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें कक्षा में लिखित आकलन ये सभी जो है सेकेंडरी हैं गौड़ हैं लेकिन मुख्य रूप से सबसे जो अधिक जरूरी यहाँ पर है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश इन चारों ऑप्शन में से तो थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर चलिए एक प्रश्न बताइए आप सभी लोग कक्षा में आपके वैयक्तिक भिन्नता है आप कैसे हल निकालेंगे किस प्रकार से आप शिक्षण कार्य करेंगे वैयक्तिक विभिन्नता के लिए आप क्या करेंगे मैं आपको केवल सही आंसर बता रहा हूँ इसका सही आंसर क्या होगा किस तरह से आपको समझना है अगर वो वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जैसे कोई भाषा के आधार पर या किसी भी आधार पर तो वहाँ पर क्या करेंगे आप लोग बच्चों से बातचीत करेंगे बातचीत करने का दृष्टिकोण अपनाएंगे और उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे उसके बाद फिर आगे जो है सुगमकर्ता की भूमिका निभाते हुए शिक्षण कार्य पूर्ण करेंगे ठीक है बहुत अच्छा प्रश्न है और सबसे आसान प्रश्न है मुझे लग रहा है इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग दे लेंगे व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दीजिए मैं उसे डॉक्टर वकील या जो चाहूँ बना सकता हूँ तो व्यवहारवादी है वाटसन इसी तरह से सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ठीक है व्यवहारवादी सिद्धांत जितने भी सिद्धांत हैं मुख्य रूप से जो कि सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं एटलीस्ट उनको तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है पता होना चाहिए अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए जीन प्याजे हो गए पावलाव हो गए स्किनर हो गए थर्नाडाइक हो गए उडवर्थ हो गए वाटसन हो गए ठीक है टॉलमैन हो गए फ्रीमैन हो गए और इसी तरह से कुछ और सिद्धांत हैं कुछ तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ठीक है तो व्यवहारवादी सिद्धांत ये वाटसन का है और इनके द्वारा कहा गया था कि मुझे नवजात शिशु दे दो मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ डॉक्टर वकील चोर चोर कोई क्यों बनाएगा डॉक्टर वकील इसी तरह से एक अच्छा नागरिक अच्छा इंसान ठीक है यही बनाना चाहेंगे तो इनके तरफ से ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इस पर जो है अध्ययन किया गया था चलिए एक कंफ्यूजिंग प्रश्न है उत्तर दीजिए इसका आप सभी लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कक्षा संख्या नौ के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए बच्चों में संख्या का संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए देखिए बेसिकली होता क्या है जब आप लिखना शुरू करते हैं अंक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तक आते हैं उसके बाद जब दस की संख्या लिखनी होती वहां है वहाँ पर हमें शून्य की आवश्यकता पड़ती है ठीक है तो बेसिकली इसमें आप इस तरह से समझ सकते हैं संख्या नौ के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए यह भी आपका सही है ठीक है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए आवश्यक नहीं है ठीक है क्योंकि स्थानीय मान में भी शून्य की संकल्पना निहित है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए कोई आवश्यक नहीं है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए डी होगा फोर्थ वाला ठीक है कभी कभी क्या होता है ना मोर देन वन आंसर सही लगते हैं लेकिन आपको फिर ये उसमें देखना होता है ना कि दोनों में ज़्यादा सही ज़्यादा उचित ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा ठीक है इस तरह से आपको पीडोगोलॉजी के प्रश्नों को हल करना होता है तो यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से आप सभी लोग ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि नवीनता रुचि आकार ध्यान का सीधे सीधे संबंध होता है रुचि से ध्यान का संबंध सीधे सीधे रुचि से होता है तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि सी आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर चलिए इसका आंसर करिए आप सभी लोग जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है पूछा गया प्रश्न है आपके लास्ट ईयर में ईश्वरीय न्याय पर विश्वास शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा और चारों ही जो उनके चरण दिए गए थे बताए गए थे उनके द्वारा बिल्कुल आपको याद होने चाहिए तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देखिए किसी क्रम में किसी संदर्भ में ये तीनों ऑप्शन आप आपके गलत नहीं है लेकिन यहां पर हम जो बात की जा रही है जीन पियाजे के संदर्भ में अधिगम के लिए आवश्यक है तो शिक्षार्थी के द्वारा विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी लोग व्याकरण का लक्षण संस्कृत का प्रश्न है ये भाषाया प्रस्तुति भाषा दर्शनम भाषा सिद्धांत या फिर भाषा प्रभाव अब देखिए संप्रेषण के क्रम में कुछ और आंसर होगा व्याकरण के क्रम में कुछ और आंसर होगा यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से व्याकरण का लक्षण है, ठीक है क्या होगा इसमें से सही आंसर तो यहाँ पर सी वाला जो आपका ऑप्शन है भाषा सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैथ्स पीडोगलॉजी ठीक है प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर और एक मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ एल्पस थियरी तो कक्षा तीन के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्न क्रियाकलापों की योजना बनाता है चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है आधे का चिन्ह लिखता है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है तो तेरी आप लोग जानते रहिए कि कक्षा तीन के विद्यार्थियों को या फिर जो आधे की संकल्पना होती है गणित के क्षेत्र में यहाँ पर किन क्रियाकलापों की योजना के द्वारा इसे सिखाया जा सकता है इसकी संकल्पना का परिचय दिया जा सकता है किस प्रकार से सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता करना मूर्त से अमूर्त की ओर इसके पश्चात कहानी या फिर शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना इसके पश्चात चित्र दिखाना जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो और सबसे अंत में आएगा आधे का चिन्ह लिखना मतलब पहले थर्ड हो जाएगा इसके बाद फोर्थ फिर फर्स्ट और सेकंड। ये हो जाएगा सही श्रेणी क्रम इस अनुक्रम में आधे की जो संकल्पना है ये सिखाई जा सकती है एल्पस थियरी ई एल पी एस ठीक है इसको आप जानते रहिएगा सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है फिर है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है फिर इसके बाद एक चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है उसके बाद जो है आधे का चिन्ह लिखता है एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर वाले पेपर आप लोग जरूर देख लीजिएगा ज़रूर देख लीजिएगा एक बार नहीं दो तीन बार देख लीजिएगा ठीक है आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और समय के सीमा के अंदर आप इसको पूरा कर लीजिए और बाद में आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो आपसे फिर आप फिर से रिविजन कर लीजिए या कुछ प्रश्नों को आप फिर से रिवाइज़ कर लीजिए ठीक है लेकिन ये काम आप कर लीजिए फटाफट जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है अगर आपने पहले देखा हो आप फिर से देख लीजिए उन्हें और मैथ्स के जो प्रश्न हैं पीडोगोल के अलावा जो शेष प्रश्न पंद्रह होते हैं उनको आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे ओरली केवल देखने से कुछ नहीं होता है अगर आपको मैं बताऊंगा अभी अगले वीडियो में वो वीडियो आपको बहुत जल्द कल प्रोवाइड करा दूंगा मैं तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा वो पंद्रह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा तो उसके लिए आप लोग कापी पेन ले कर के बैठिएगा ठीक है तो यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है सीखने का क्षेत्र है ये किसके द्वारा दिया गया है आप लोग कमेंट कर दिया करिए जिसको पता हो ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है व्यावसायिक अनुभाविक भावात्मक आध्यात्मिक अभी हम लोग एक प्रश्न पढ़ रहे थे जो शिक्षार्थी होते हैं पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते, है, होते हैं अन्वेषक होते हैं ठीक है इस तरह के ऑप्शन सही होते हैं और इस तरह की चीज़ें हम बिल्कुल पढ़ते आए हैं तो यहाँ पर हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आनुभाविक बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुभाविक चलिए इसका आंसर करिए आप सभी लोग शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है इसका इस राइट आंसर क्या होगा अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है एक प्रभावी आकलन युक्ति है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का जीव का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं ठीक है प्रश्न फिर से पर देख लीजिए यहाँ पर शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है यह समस्यात्मक है भैया ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वे अपने भाषा में अगर इसी चीज़ को अगर वे अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में अगर उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं ये अच्छा होता है सीखने के लिए ऐसा होना चाहिए जीव का त्यों अगर प्रसुत करते हैं तो वह एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यो का त्योग पुनः उत्पादित नहीं करते हैं अगर पुनः ज्यों का त्योंग करते हैं इसका मतलब क्या हुआ केवल और केवल वो शब्द से अक्षरशा जो है चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं उन्हें उसके बारे में या अनुभवों को नहीं सीखा व्यवहार को नहीं सीखा उसके रिकॉर्डिंग उससे संबंधित चीज़ें जो हैं तो यहाँ पर हमेशा ये अपेक्षा होनी चाहिए एक शिक्षक को विद्यार्थी से कि जो भी अनुभव सीखें उसे वह भा अपने भाषा में बताएं अपनी भाषा में उसका वर्णन करें ठीक है तो यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर चलिए संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके दिया किसके द्वारा दिया गया है जल्दी से बताइए आप सभी लोग मैं नहीं बता रहा हूँ अभी संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है और कितने कुल और कितने संवेग बताए गए हैं आप मुझे जल्दी से बताइए ठीक है कितने बताए गए बताइए जल्दी से आप लोग तेरह चौदह कन्फ्यूज मत होइए बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर बताइए संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है और संवेगों की संख्या कुल कितनी बताई गई है किसके द्वारा जल्दी से बताइए आप सभी लोग चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है स्मृति डर ध्यान उत्तेजना यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा सेकेंड वाला डर ठीक है